press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका VKS फिजिक्स अकादमी में। आज हम प्रतिरोध पर आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो मैंने श्रेणी क्रम, समांतर क्रम ये संयोजन बताए थे प्रतिरोधों के, उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, और आज कुछ न्यूमेरिकल हम और करेंगे जिनकी सहायता से इस क्रम में, यानी कि समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जो धारा का मान होता है, तुल्य प्रतिरोध का मान होता है, उसको और अधिक गहराई से हम जान पाएंगे। तो हम इसके लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें तीन प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। आपको पता है कि समांतर क्रम में आप किस प्रकार से जोड़ते हैं, ये तीन प्रतिरोध हैं और ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस तरीके से जोड़ दिया। और एक 6 वोल्ट की बैटरी से इनको मैंने जोड़ दिया है प्लस माइनस 6 वोल्ट, और यहां से आई करंट जा रही है और इधर से आई करंट वापस आएगी। ये जो प्रतिरोध है ये 1 ओम का है, ये प्रतिरोध जो है वो 2 ओम का है, और ये प्रतिरोध है वो 3 ओम का है। और मैंने आपको बताया था कि जब क्रम होता है समांतर क्रम, यहां पर ये समांतर क्रम में है, उसमें विभव का मान बराबर होता है प्रत्येक पॉइंट पर, और करंट का मान अलग अलग होता है। तो यहां पर I1 करंट हम मान लेते हैं, इसके अंदर हम I2 करंट मान लेते हैं, और इसमें मान लेंगे I3। ये तीनों इसमें बंट जाएगी, यहां पे आके वापस ये I बन जाएगी। तो हमें क्या बताना है इस सर्किट में, इस डायग्राम में, इस परिपथ में, हमें पहले तो तुल्य प्रतिरोध बताना है कि कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, फिर अपने बताना है कि कुल धारा कितनी होगी पूरे परिपथ में, कुल धारा, और तीसरी बात बतानी है कि प्रत्येक प्रतिरोध से धारा कितनी जाएगी, प्रत्येक प्रतिरोध से धारा कितनी जाएगी ये बताना है। तो सबसे पहले हमें तुल्य प्रतिरोध देखना है, और तुल्य प्रतिरोध का मैंने बताया था कि जब समांतर क्रम संयोजन होता है और दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में जुड़े होते हैं समांतर क्रम में, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है उसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस के 1/R3। ये हम पहले स्टेप कॉल कर रहे हैं तुल्य प्रतिरोध को। तो 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है, R1 का मान है 1 ओम, इसे आप R1 कह दीजिए, इसे R2 कह दीजिए, और इसे कह दीजिए R3। तो यहाँ पे 1/1 प्लस 1/R2 का मान कितना है 2 है, प्लस R3 का मान कितना है 3 है। यहां से हम लघुतम लेंगे तो 1/R बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, लघुतम आ जाएगा 6। तो यहाँ आएगा 6 एकम 6, 3 दूनी 6 प्लस 2 3 6। तो यहां पर कितने आ जाएंगे भाई, 6 3 और 2 11/6 ओम। लेकिन हमें R का मान ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध का, तो हमें इसको पलटना होगा, यानी R बराबर मैं लिखूंगा तो 6/11 ओम। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब हमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध की सहायता से अपने को इस परिपथ में कुल धारा का मान ज्ञात करना है। अब हम इसके अंदर धारा का मान ज्ञात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो ओम का नियम होता है अपना, ओम का नियम, उसकी सहायता से V समानुपाती होता है I, और V बराबर होता है RI। और यहां से सर्किट में कुल धारा अपने को ज्ञात करनी है 2 नंबर वाला, तो यहां से हम I बराबर क्या करेंगे V/R, और I का मान ज्ञात करना है, V का मान कितना है 6 वोल्ट है, 6/R का मान कितना निकाला 6/11, तो 6 × 11 जो है ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये कैंसिल होके 11 एम्पियर धारा का मान ज्ञात होता है, मात्र क्या होता है एम्पियर होता है। तो इस परिपथ में 11 एम्पियर की धारा जो है वो जा रही है। अब बड़ा तीसरा स्टेप है कि प्रत्येक प्रतिरोध से कितनी धारा
जाएगी। तो इसके लिए भी हम ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमें किस प्रकार से करना होगा, जैसे मैं कहूंगा कि R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, R1 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, तो R1 से आएगी तो V समानुपाती I वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि V बराबर R I वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां पर करंट तो I1 है R1 में से, R की जगह R1 है, लेकिन V का मान तो V रहेगा क्योंकि समांतर क्रम में विभव का मान बराबर रहता है प्रत्येक प्रतिरोध पर। तो यहां से हमें I1 का मान निकालना होगा। तो यहां से देखें, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, V बराबर R1 है I1, और I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R1। V का मान कितना है 6, R1 का मान कितना है 1, तो 6 बटे 1 यानी 6 एम्पियर धारा आ जाएगी पहले प्रतिरोध में से। फिर इसी प्रकार से हम R2 से निकालेंगे कि R2 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, I2 बराबर V बटे R2। V का मान 6 वोल्ट है, R2 का मान 2 ओम है, तो कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर। उसी प्रकार से R3 से जब मैं ज्ञात करूंगा तो करंट है I3 बराबर V बटे R3, और V का मान 6 वोल्ट है, R3 का मान 3 ओम है, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। अब यहां से आप एक देखें चीज कि यहां 6 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट आ रही है, जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट का मान घट रहा है, यानी यहां से हमें पता लगेगा कि प्रतिरोध है वो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। जितना बड़ा वो प्रतिरोध होगा, यानी जितने ज्यादा मान ओम का प्रतिरोध होगा, उतना ही उसमें करंट का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये हमने तीनों चीज इसमें ज्ञात कर ली। अब हम एक न्यूमेरिकल और लेते हैं जिसके अंदर हमें एक जटिल परिपथ दिखाया गया है और उसकी सहायता से अपने क्या करना है, न्यूमेरिकल को हल करना है। हमें ये दिया गया कि एक पॉइंट है, यहां से ये समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध है यहां पर, और यहां पर ऐड होते हैं, इसके बीच में एक प्रतिरोध लगा है, यहां से फिर से समांतर में है, इस प्रकार से ये प्रतिरोध है वो 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का, सारे 2 ओम के प्रतिरोध हैं, सभी 2 ओम के प्रतिरोध हैं। ये पॉइंट है, भी हमें बताना है कि ए और बी पॉइंट के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इस पूरे जो जाल है, सर्किट है उसका। इसमें कोई बैटरी नहीं है, हमें सिर्फ तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो इसमें आप देखना होगा अपने को कि श्रेणी क्रम में कहां है और समांतर क्रम में कहां है। ये वाला जो पहले वाला इतना पार्ट हम लेंगे पहले, ये है समांतर क्रम में, आपको दिखाई दे रहा है क्रम इनका समांतर क्रम में है। और जब समांतर क्रम में होता है तो फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। तो 1/R बराबर वो R, सभी का मान 2 है, तो ये ना 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी कितने हो जाएंगे 3/2 हो जाएंगे, 1 ½, यानी कि 3/2। और यहां से मैं R का मान निकालूंगा तो इसको मैं पलट दूंगा तो R बराबर हो जाएगा 2/3 ओम। अब ये कितना आ गया, ये इसका आया है सिर्फ, और ये देखें इस वाले में ये भी समांतर क्रम में है, ये भी समांतर में है, बराबर मात्रा में ओम है, यानी 2-2 ओम के सारे, तो ये भी 2/3 ही आएगा। तो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा चित्र और बना लेता हूं इसका, सर्किट ये तुल्य आ गया, ये आ गया बी, ये कितना, इन सब का टोटल एक आया वो है 2/3 ओम, इसको लिख दिया 2/3 ओम। ये कौन सा, ये वाला है जो सेम है, और ये आगे वाला भी कितना आएगा 2/3 ओम आएगा। तो ये एक छोटा परिपथ अपने पास बढ़ गया। इसमें आप देखेंगे कि ये सारे ही श्रेणी क्रम में है, ये 2/3 ओम वाला, 2 ओम वाला और 2/3 ओम वाला, तीनों श्रेणी क्रम में है। तो अब इनका टोटल हमें ए और बी के बीच में ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, श्रेणी क्रम में इनको जोड़ना होगा। तो आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में आप जोड़ते हैं तो किस प्रकार से होता है, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2
प्लस के आर3 जितने भी हैं उन सबको जोड़ दीजिए प्लस लगा के श्रेणी क्रम के लिए। तो आर बराबर श्रेणी क्रम में आर1 का मान कितना है 2/3 है, प्लस आर2 का मान कितना है 2, प्लस आर3 का मान कितना है 2/3। तो यहां से इनका लघुत्तम ले लेंगे हम तो कितना आएगा, लघुत्तम आएगा इनका 3, तो ये हो जाएंगे 2 + 6 + 2 यानी कि हो गए ये 10/3 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध आ गया बिंदु ए और बी के बीच में। तो इसमें हमें क्या करना पड़ा, पहले हमें समांतर क्रम वाणों को हल करना पड़ा, फिर इनका एक छोटा चित्र हमने बनाया, परिपथ कह सकते हैं, एक नेटवर्क कह सकते हैं, और इसकी सहायता से हमें इसमें श्रेणी क्रम लगाया और लास्ट में अपने पास आंसर आ गया 10/3 है ओम। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल है हमें परीक्षा में मिलेंगे, किसी भी प्रकार की आकृति आपको दी जा सकती है, उस आकृति में आपको देखना है कि श्रेणी क्रम कहां पर बनता है, समांतर क्रम कहां पर बनता है, जो भी क्रम पहले बने एक सिरे से आप लग जाएंगे हल करने के लिए, जो भी क्रम पहले बने पहले उसको हल करें और उसका रिजल्ट है उसको आगे वाले के साथ श्रेणी और समांतर क्रम में देखे और इन फॉर्मुलों की सहायता से आप क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे।